तो गाइस 8 बज गए और वीडियो अपलोड हो चुकी है। वेलकम टू आवर चैनल जर्नी विद सरजे। सब्सक्राइब कर लेना भाई को। ये हमारे सब्सक्राइबर है, अभी इन्होंने कहा कि यार आपकी वीडियोस देखते हैं। ये चेक करें आप, ये बाबू यार। गाइज मैं उठ तो सुबह जल्दी गया था लेकिन एडिटिंग कर रहा था इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं करा। और अब सुबह के 8 बज चुके हैं, इनफैक्ट 8 से ज़्यादा हो गया होगा। मेरा व्लॉग अपलोड हो चुका है हालांकि 8 बजे। गाइज अभी 8:15 हो चुके हैं और ये देखो मेरा अब कहा हो गया बाबू, कहा हो गया है? किसको देख रहे हो गुस्से में, किसको देख रहे हो? हाँ भैया कहाँ देख रहे हो? हाँ जी क्या बात हो गई? इसको हम बात के रखते हैं ज्यादातर, और आज के टाइम पे ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि यार बाघ आ रहा है, कुकरी बाघ आ रहा है पीछे की साइड। यहाँ पूरा ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया पड़ जाता है पीछे की साइड, यहाँ की साइड से कभी कुकरी बाघ आ जाता है, बहुत सारे डॉग्स को ले गया, इसलिए हम इसको ज्यादा खोलते नहीं क्योंकि भाग जाता है यार घर से। तो गाइस सबसे बड़ी बात यह है आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे वहाँ हल्द्वानी में एक कार की डिलीवरी है जो है हिमालयन हस्की भैया की, ठीक है, जो दिव्या भैया है उनकी डिलीवरी है और साथ में गुड्सू भी आ रहा है। तो गाइस मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड ना, मेरा मतलब लेवल जो था ना वो 100% पे था जब मैंने ये बात सुनी। और मैं वेट कर रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था मंडे या ट्यूसडे को डिलीवरी होगी और फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ट्यूसडे को डिलीवरी होगी। अब सीन क्या होता है, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि एक सरप्राइज़ है और कल उन्होंने सरप्राइज़ रिवील कर दिया, तो जो मेरी 100% की एक्साइटमेंट थी वो नेक्स्ट लेवल चली गई है क्योंकि UK07 राइडर अपने बाबू भैया भी उत्तराखंड आ रहे हैं, मतलब उत्तराखंड के ही हैं, हल्द्वानी आ रहे हैं। जो एक्साइटमेंट थी वो नेक्स्ट लेवल चली गई क्योंकि बाबू भैया की आने की खुशी, मतलब मैं उनसे बहुत बहुत वक्त से मिलने की सोच रहा था। देहरादून यहाँ से 200-250 किलोमीटर है, मैं कभी जा नहीं पा रहा था कि वहाँ की साइड जाकर उनसे मिल के आऊँ। एंड यार घर जाना थोड़ा सा वो भी हो जाता है कि हर किसी क्रिएटर को पसंद नहीं आता और हर समय उनकी प्राइवेसी हर्ट होती है, तो वो फाइनली यहाँ पे आ रहे हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस मोमेंट। और 12:30 बजे उनका मीटअप है, 11:30 बजे पहुँच जाऊँगा मैं क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत भीड़ होने वाली है अभी तो, क्योंकि मैंने कल दीपक भाई उनसे बात करी थी और उसके अलावा भी बहुत लोगों से बात करी थी, सब लोग कह रहे हैं कि बहुत क्रिएटर्स वहाँ पे आने वाले हैं तो बहुत तगड़ा सीन होगा। गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा सा ही पार्ट स्किप मत करना, तो सीधे मैं रेडी होता हूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ और निकलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नाश्ता भी मैंने कर लिया है, सीधे हेलमेट लेते हैं और निकलते हैं। भाई मिल गए हैं अपने भाई से, हम पहले मिले थे कब, सौरभ भाई वाले से, हाँ सौरभ भाई वाले ब्लॉग में मिले थे और मैंने एकदम से पहचान लिया, कल मैं आपकी वीडियो भी देख रहा था। क्रिएटर्स बहुत आने वाले बता, क्रिएटर्स ज्यादा तो क्रिएटर से आएंगे। हाँ बहुत क्रिएटर्स, उस टाइम उतना क्राउड नहीं है अभी, आएगा यार 12 बजे के आसपास। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा था। सर आ गए, सर से मैं मिला था जब शेखर भाई के वहाँ रैली निकली थी, हाँ शेखर जयसवाल जी के वहाँ, तब मिला पूरी रैली में, हाँ हम लोगों ने कवर किया था, बहुत मजे करते, पूरे लाल को घुमा था। एसआरजे भाई मिले, शोरूम पे और मुझे जहाँ तक लगता है यही जो गाड़ी है यही हिमालयन हस्की भैया की गाड़ी है जो अभी गोत्सू भी आने वाला है यहाँ पे, और जो आपको लिए सरप्राइज बताया था UK07 राइडर अपने बाबू भैया भी आने वाले, तो भाई लोग सब आ चुके हैं। देखो ये ब्लॉगर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, लग रहा है आपको बहुत बढ़िया UK07 राइडर से मिलने वाले, बहुत वक्त के बाद, मतलब मैं सोच रखा था बहुत टाइम से उनसे मिलूंगा करके लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फाइनली अब मिलेंगे उनसे। दीपक भाई आ गए। हेलो भैया क्या हाल है, पहचाना नहीं, पहचान लिया। दीपक भी आ गया है, दिव्यांश भी आ गए, बस अभी हो रहा है UK07 राइडर का इंतजार। ये सुपर बाइक भी आ चुकी है यहाँ पे, भीड़ बढ़ती जा रही है यूट्यूबर्स की और हल्के हल्के करके मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी थोड़ी देर में। देखो कितना क्या समय है यूट्यूबर्स का, इस समय यहाँ पे जिसका इंतज़ार है बस अभी तक वही नहीं आया और बहुत जल्दी आएंगे मुझे लग रहा है। अभी भैया ने बताया कि वो लोग नकुचिया ताल से निकले तो कम से कम 1 घंटा और लगेगा उनको आने में और यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी जितनी जितनी देर में वो आएंगे। तो गाइस इट्स बीन 2:17 और बाबू भैया का अभी तक कोई पता नहीं है, 1 घंटा बोला था, अभी 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी आ जाएंगे। और ये देखो पूरी भीड़ सब इंतज़ार में लगे पड़े कि कब तक आएंगे, सिर्फ 10 मिनट और थोड़ा सा जाम में फंसे, पता चला है अभी 10 मिनट में आ रहे हैं तो 10 मिनट में इंतजार खत्म हो जाएगा। भाई मिले, आपके चैनल का नाम क्या है? तो हिमांशु जोशी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो। हमारे सब्सक्राइबर है, अभी इन्होंने कहा कि यार आपकी वीडियोज देखते हो। अच्छा अच्छा
तो आपका कब से चैनल कब से बना हुआ है? एक साल। तो बाकी इतने सारे ब्लॉगर दीपक भाई खड़े हैं, हिमांशु भाई खड़े हैं, तो सबके चैनल का सब्सक्राइब करो UK04 दीपक ब्लॉग्स। गाइस ऐसे ही चल रहा है, अभी बहुत सारे क्रिएटर्स और आ गए हैं, अभी और आने भी हैं, क्योंकि अभी तक अनुराग भाई आए नहीं है। बाबू भैया 12:30 का टाइम दिया था और अभी बच्चों के 3 बजने वाले हैं। 1 घंटा पहले तो मैं पहुंच गया था, देखते कितनी देर में आ पाते हैं। बैठा था मैं तो 3 बजने वाले फिलहाल। बाबू भैया आ गए हैं, बाबू भैया आ गए हैं फाइनली हमारे साथ। भाई ब्लॉक कर रहा है मेरा आईफोन, इसके पास अरे आईफोन गायब कर दिया। अपने हस्की के संग बैठ चुके हैं, ये अलग ही फोटोज खिंचवा रहा है सबके साथ, या अपनी वीडियो नहीं बना पा रहा है। ये जनता हमारी है, सामने बाबू भैया बैठे हुए हैं और इतने लोग देखो यहाँ घुस गए इधर की साइड। बाबू भैया के दोनों दोस्त आए हैं बाबू भैया के। तो गाइस अब देवांश भाई और मैं जाने वाले अंदर, अभी तक सबका करवा लिया मैं और हाँ हम तीनों जाएंगे। तो गाइस फाइनली बाबू भैया सामने आ गए, ये चेक करें आप, बाबू भैया का डायलॉग है ये। तो गाइस फाइनली हम बाबू भैया से मिल लिए और बहुत खुशी हो रही है, मतलब सपना पूरा हो गया, बहुत खुशी। चलो थैंक्स। तो गाइस फाइनली हम लोग बाबू भैया से मिल लिए और अब निकलते हैं क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा लेट हो गया है। कांग्रेचुलेशन आपको, थैंक यू यार। ये मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है मुझसे, मैंने अब तक हाई मुझसे क्या बात कर रहे हैं यार, मतलब आपका तो एक्चुअली प्लान है बट हाई मुझसे नहीं है प्लान से ना, आप ईगो नहीं लाए बुला रहे हैं, ईगो के टायर चेंज हो रहे हैं आज, तो आप आए किस में यार, ईगो का बहुत वेट था। ये भी आप हम लोग हल्द्वानी आए थे एंड हम लोग ये चेक करने वाले हैं, दिस इज गोना बी अ फर्स्ट टाइम, मैंने पहले कभी हायाबुसा नहीं पकड़ी, हायाबुसा वाले लोग हैं इसलिए मैं पता नहीं कौन सा एग्जॉस्ट लगता है गाइस इसमें। बट मैं देखता हूं यार उठा करके, जब मैं फर्स्ट टाइम सुबह भाई खरीद रहा था ना तो हायाबुसा वाज द फर्स्ट ऑप्शन मेरे को, बट आज हम लोग इसे चेक करने वाले हैं।
कितना वेट है इसका? 255 भाई, 10 आवर से ज्यादा भारी है। बहुत भारी यार एक्चुअली। भाई नीचे कौन भैया? तो गाइस फाइनली मैं घर आ गया हूँ और घर आके मैं बिल्कुल बेड पे लेट गया क्योंकि ना सर पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जो इतना ज्यादा क्राउड था और हम दिन भर चेयर अप कर रहे थे बाबू भैया के लिए और हिमालयन हस्की दिव्या भैया के लिए। तो गाइज बहुत अच्छा लगा, थैंक यू हिमालयन हस्की UK07 राइडर अनुराग भाई दिव्या भाई कि आप लोग हल्द्वानी आए और हल्द्वानी से आपने कार की डिलीवरी और अनुराग भाई स्पेशली हल्द्वानी आए हम सबसे मिलने, तो उन सबके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा तो यार यूकी इंस्टाग्राम की आईडी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां जाके मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जाना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाबू भैया की हमारी सबकी फैमिली बढ़ाओ, यूट्यूब फैमिली, हम सब उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे, हमको ज्यादा से ज्यादा प्यार दे, अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगले किसी और धमाकेदार व्लॉग में। और गाइस एक चीज और, कल भी एक कोलाब आने वाला है, परसों भी एक कोलाब आने वाला है, तो सब चीजों के लिए वेट करते रहना। बहुत 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 अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू और लव एस अजय। जय हिंद।